आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स क्या होता है। जब आपके बाल कम समय में या फिर उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे लाइफ की एक साइकिल होती है, जैसे जैसे हमारी एज 35 या 40 से ज़्यादा होती है तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। पर आजकल लोगों के अंदर 15 से 20 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या उसका कारण है, क्या उसका इलाज है, और आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी भी शेयर करूंगा जिससे आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर लोगे कुछ ही महीनों में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सर के अंदर, स्कैल्प के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो हमारे बाल जनरेट करते हैं, और इन हेयर फॉलिकल्स के अंदर एक सेल होता है मेलिनोसाइट सेल, जो कि एक पिगमेंट बनाता है मेलेनिन, और ये मेलेनिन पिगमेंट हमारे बालों को कलर देता है। पर बॉडी में किसी तरह के डिजीज़ या इंटरनल चेंज होने की वजह से ये मेलेनिन पिगमेंट बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या इसके कारण है। सबसे पहला पॉइंट आता है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में यह चलता आ रहा है या आपके मम्मी या पापा के बाल भी कम उम्र में सफ़ेद हो गए थे तो 90% चांस है कि आपके बाल भी कम उम्र में सफ़ेद हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है हेयर कॉस्मेटिक्स एंड ऑयलिंग। आजकल की जो हमारी यूथ है वो बालों को सेट करने के लिए उनमें तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयर जेल, हेयर स्प्रे, हेयर वैक्स, तो उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो केमिकल ज़्यादा बालों में यूज़ करने की वजह से वो डैमेज होने लगते हैं, और डैमेज होने की वजह से वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। या फिर बालों में बहुत सारे लोग ऑयलिंग ही नहीं करते, ऑयलिंग ना करने की वजह से क्या होता है हमारे जो बाल है वो ड्राई हो जाते हैं, और ड्राइनेस की वजह से भी बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। तीसरा पॉइंट आता है क्रोनिक इलनेस। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें आप लंबे समय तक बीमार रहे थे, जैसे कि टाइफाइड या फिर अनीमिया या फिर मलेरिया, तो उसकी वजह से भी बॉडी में कुछ ऐसे इंटरनल चेंज आ जाते हैं जिसकी वजह से बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। चौथा पॉइंट आता है स्मोकिंग। आजकल के जो लोग हैं वो बहुत कम उम्र में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, 15 से 20 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और कम ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। पांचवा पॉइंट आता है स्ट्रेस। आजकल के जो लोग हैं वो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाहे फिर वो आपकी जॉब की टेंशन हो, रिलेशनशिप, या फिर आपके करियर की टेंशन हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे इंटरनल चेंज आते हैं जिसकी वजह से बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आजकल की जो हमारी यूथ है वो ऑयली और जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती है, अपनी डाइट का इतना ध्यान नहीं रखते, बॉडी में बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जैसे कि विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन D, विटामिन E, आयरन, जिंक, कॉपर, तो इनकी कमी की वजह से भी बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये तो हो गए बाल सफ़ेद होने के कारण। अब मैं आपके साथ वो होम रेमेडी शेयर करता हूँ जिससे आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर लोगे कुछ ही महीनों में। पर कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे थे, तब तक आप कोई भी रेमेडी ट्राई कर लेना आपके बाल नेचुरली ब्लैक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो उसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो स्ट्रेस लेना कम करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, क्या आप बालों में ऑयलिंग नहीं कर रहे उसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ऑयलिंग करना शुरू करो, क्या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो उसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो स्मोकिंग करना बंद करो, क्या आप बहुत ज़्यादा हेयर कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हो तो उनको यूज़ करना बंद करो। तो सबसे पहले आपको अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, जब ही आप नेचुरली अपने बालों को ब्लैक कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं रेमेडी की। इस रेमेडी में सिर्फ हमें दो इंग्रेडिएंट चाहिए, एक हमें चाहिए कोकोनट ऑयल और दूसरा हमें चाहिए आंवला पाउडर। हमें 100 ml कोकोनट ऑयल के अंदर 2 tablespoons आंवला पाउडर मिक्स करना है और उसे बॉईल करना है 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। जब वो बॉईल हो जाएगा तो उसे उतार कर ठंडा होने दे, और ठंडा होने के बाद उसे छान लेना है, जो उसका ऑयल निकलेगा उसको हमें वीक में 3 times बालों पर अप्लाई करना है। आप देखोगे धीरे धीरे आपके बाल नेचुरली ब्लैक होने लगेंगे, पर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलर करना है, यानी कि महीने में 1-2 times कर लिया ऐसे नहीं होगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और उससे भी मेन चीज़, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, जिस चीज़ की वजह से आपके बाल सफ़ेद हुए थे उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, जब ही रेमेडी काम करेगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए मेरे को नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। और आपकी कोई भी दिक्कत हो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM जरूर करें, मैं वहाँ सबके रिप्लाई करता हूँ, भले ही थोड़ा लेट रिप्लाई आए पर रिप्लाई मैं सबके करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।